आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व का एक परिचायक है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, उज्जैन में महाकाल का महाभोग का निर्माण हो रहा है, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम समर रहा है, द्वारिकापुरी का पुनरुद्धार का काम चल रहा है, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार का काम पूरा हो चुका है, माता अंबा के दाता में भी भव्य निर्माण का कार्य संपन्न हो चुका है। यह भारत की आस्था का सम्मान है और इसके भाइयों बहनों आस्था का सम्मान भी केवल भाजपा कराई। यही नहीं, संकट के समय में अपने देश के नागरिकों के साथ कैसी संवेदना होनी चाहिए, कोरोना कालखंड जैसा दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की सुविधा भी भाजपा सरकार ने दिया था। भाइयों बहनों, जो आपके संकट का साथी हो, जो आपकी समृद्धि में सहायक हो, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ रख सकता हो, आस्था का सम्मान कर सकता हो, बहन बेटियों को सुरक्षा दे सकता हो, सत्ता में आने का अधिकार उन्हीं को है। और यही तो कहने के लिए मैं आया हूं कि कंक एक कच्छ क्षेत्र में कमल ही कमल खिलना चाहिए, कमल ही कमल दिखना चाहिए। और यही अपील करने के लिए हमारे काछी जो होते हैं ना, ये सब जो है अपनी मेहनत और परिश्रम से उन्होंने इस पथरीली भूमि पे भी सोना उगलने का काम किया है, अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से। पूरा मुंबई आपके साथ, किस मजबूती के साथ छाए हुए हैं काछी लोग, पूरी मुंबई पर आपका गार हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे अपील करने के आया हूं, इसे वीरेंद्र सिंह जडेजा को भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है। और भाइयों बहनों, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वीरेंद्र सिंह जडेजा को आप अगर यहां से चुनाव जिता करके भेजेंगे तो कांग्रेस की सारी गुंडागिर्दी को समाप्त करने में सफल होंगे। भाइयों बहनों, सात पीढ़ी से यह परिवार जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ है। और इसीलिए भाजपा नेतृत्व इन्हें यहां पर विस्तार लेकर के आया है। माननीय से ने कहा गया कि नहीं, आप जाइए और रोपड़ में जाकर के कच्छ की जनता की सेवा भी करिए। और भाइयों बहनों, इनको इससे यहां पर भेजा गया है, ये विकास भी कराएंगे और सुरक्षा भी प्रदान करने में योगदान देंगे। पूज्य संतों का आशीर्वाद इनके ऊपर है, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे अनुरोध करने के लिए, भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वीरेंद्र सिंह जडेजा के नेतृत्व में रोपड़ में क्षेत्र में व्यापक विकास की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। आप सब सहमत हैं? सभी सहमत हैं? सुहाग बधा भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपको, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम।